आज का वीडियो जो है एक मासूम राहुल के ऊपर है जो कि 10 साल का बच्चा है जो खेलते खेलते अपने घर के आंगन में खुदा बोरवेल्स जो कि बंद पड़ा था उस गड्ढे में जा गिरा है और उसको बचाने के लिए शासन प्रशासन के लोग यहाँ जुटे हुए हैं। देख पा रहे हैं आप किस तरह से यहाँ जो है खुदाई का काम चल रहा है और शासन प्रशासन के लोग लगातार लगे हुए हैं कि और कोशिश है कि जल्द से जल्द बच्चे को बाहर निकाला जा सके। इस तरह से ये जो गड्ढा आप देख पा रहे हैं यहाँ एक सुरंग बनाया जाएगा, टनल बनाया जाएगा जिसके माध्यम से जो है अंदर जाके बच्चे को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आप देख पा रहे हैं ये जो गड्ढा खोदा हुआ है और उधर जो है मलबा को साइड करने का काम चल रहा है। और इस तरह से यहाँ आप देख पा रहे हैं NDRF की टीम यहाँ मौजूद है और अपनी तैयारियाँ में लगे हुए हैं कि कैसे जल्द से जल्द बच्चे को निकाला जा सके। और यहाँ आप देख पा रहे हैं बच्चे की बुआ जी जो है प्रॉन्टिंग के माध्यम से, आवाज़ के माध्यम से उनसे बातचीत करने के, संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जी मैडम, स्पीकर साहब को तुरंत यहाँ पर पहुँच करके एकदम चालन फलन में अपना राहत कार्य जो है शुरू कर दिए और अपना जो है व्यवस्था बनाना शुरू कर दिए। और 2 बजे का समय का बात था और मैं भी बाहर था, थोड़ा शक्ति गया था, उसकी मम्मी था, उसकी मम्मी ने जब खाना खाने के लिए उसको ढूंढने लगाया तो अपना बाहर। इस तरह से आप देख पा रहे हैं NDRF की टीम जो है यहाँ मौजूद है और जैसे ही गड्ढा खोद लिया जाएगा उसके बाद वो सुरंग एक टनल बना के अंदर जाने की कोशिश करेंगे और बच्चे को जितनी जल्दी हो सके सुरक्षित निकालने की प्रयास करेंगे। सो इस तरह से आप देख पा रहे हैं NDRF की टीम जो है यहाँ मौजूद है